बरेली थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत आने वाले गांव भगवतीपुर सैदुपुर के कुछ दबंगों ने दुर्गेश कुमार के निकास पर कब्जा कर निकास बंद कर दिया। जब दुर्गेश कुमार कब्जा स्थल पर पहुंचे तो पहले से घात लगाए दबंगों ने पथराव कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में विद्याराम, दुर्गेश कुमार, रीना, रामवती आदि को गंभीर चोटें आई है। चारों घायल थाना बिथरी चैनपुर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने चारों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 336, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज मुकदमे में नामजद मेवाराम, मनोज, विनोद, कपिल आदि चारों लोग घटनास्थल से फरार हो गए। घायलों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर घायलों से जानकारी ली, तब उन्होंने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विद्याराम। कहाँ रहते हो? भगवती पर। क्या हुआ था आपके साथ? साहब, हमें रास्ता दिया गया था करीब 11 फीट चौड़ा, तो उसमें कैश चल रहा था, उस चक्कर में देखने में से गए नहीं, और उन्हें आज रात में बाउंड्री कर ली। हम देखने गए तो उन्होंने ईंट पत्थरों से लाल डंडों से मारपीट करी हमारे साथ में। साहब, कौन कौन लोग थे? और मेवाराम और मनोज, सनोज, कपिल, उनकी बीवी, उनकी साहब उसका नाम पता नहीं मुझे। किस चीज़ का रास्ते को लेके बवाल हुआ सर? रास्ता जब मेरा खेत है, वहाँ पर खेत का रास्ता दिया गया था हमें, जिनका पट्टा हुआ था उन लोगों ने, इनने जबरन कब्जा कर दिया उस पर। उसके मुकदमे फैसला हुआ था हमारे पक्ष में, उसके कागज भी हमारे पास रखे हैं, उसके अलावा मुकदमा भी चल रहा है। तो उसके अलावा फिर भी उनने शाम को रात में बाउंड्री कर ली सर उसकी। जब हम लोग देखने गए उसे, हम तो उन्हें लाठी मतलब पत्थरों से, ईंटों से और डंडों से मारपीट सब करी, छतों पे से पत्थर फेंके हैं और हमारे पास मारपीट करी, सर चोट लगी है मेरी। थाने को सूचना दे दी क्या? हाँ सर, थाने को सूचना दी है। क्या कहा थाने में? सर अभी तो पता नहीं, गए मुझे जानकारी है नहीं, हमसे कह दिया तुम जाँच करवाओ जाके। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो आप? नगला। क्या हुआ था आज? भैया से मारदार बनी थी, हम बचाने गए थे तो मुझे तक मारा था, मेरा मंगलसूत्र खींच लिया, कुंडल भी खींच लिया मेरे, मुझे कहा तो चली में मुंह डाल दिया। कहाँ कहाँ चोट आई है आपके? दिन भी आई है, सीना भी आई है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या हुआ था आज? दीवानी में मुकदमा चल रहा है, तो वो रास्ता हमारा था, उन्होंने रात में बुनियाद खड़ी कर दी मुकदमा चलने के बाद। मुकदमे को कितना समय हो गया चलते हुए? 2017 से चल रहा है। अच्छा, तो अब अचानक क्या हुआ? अचानक इन्होंने रात में बुनियाद भर दी, तो हम लोग देखने गए थे कि किसी ने बताया था कि बुनियाद भर दी है, ये लोग घात लगाए हुए छत पे ईंटें लेके बैठे थे। क्या आपका पूरा रास्ता बंद कर दिया उन्होंने? पूरा रास्ता बंद कर दिया। फिर हमारे लिए निकलने का कहीं रास्ता नहीं है, और सर ये अवैध रूप से अवैध कब्जा कर रखा है इसने, 100 गज की जगह पे 200 गज में वो भी अवैध कब्जा से मकान बना रखा है ग्राम कुमार। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया? वो मेवाराम और उनके लड़के उड़के हैं सर, ये दबंग टाइप के लोग हैं सर, और आए दिन घर में घुस जाते हैं, फसल का हमारा नुकसान करते हैं, रास्ता निकलने नहीं दे, अब तो बंद कर दिया रात। अच्छा, किस किस के चोटें आई हैं? सर मेरे आई हैं, भाई के आई हैं, सिस्टर के हैं, मम्मी के हैं, और सर मेरा ये हाथ भी नहीं उठ रहा है, और ज़्यादातर भाई का पूरा चेहरा, भाई का पूरा ये अंदर तक छोड़ गया। थाने को तहरीर दी है? जी सर। क्या कहा थाने में? थाने में कार्रवाई कर रहा है सर, और कुछ नहीं बैठा दे बोले। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम रूपमन है सर, मैं सुबह में धक्के लेटा हुआ था, मेरे बड़े भाई उन लोगों ने देख के नए। किन किन ने? वो मेवाराम थे और उनके तीन लड़के थे सर, तो हमें फ़ोन कराया था कि तुम्हारे भाई को लोग मार रहे हैं, हम घर हम सब में किडनी का प्रॉब्लम है। आपको? जी सर। जी, तो मैं लेटा हुआ था बैठक में अपनी, मुझे सूचना मिली तो ये सब लोग फोन में नफरत थे, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम इन्हें लेकर थाने चले आए, तो थाने हमने लोगों से शिकायत करी सर, वो कह रहे हैं हम देखते हैं तो क्या, हम सब चुपचाप बोले कि डॉक्टर होगी, हम यहाँ देखते रहे, अब देखो सब क्या होता है आगे।